अविभक्त बंगाल ने अनेक संतों को जन्म दिया है। तंत्राचार्य सर्वानंद, लोकनाथ ब्रह्मचारी, प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी और राम ठाकुर इसी मिट्टी की देन है। बांग्लादेश के एक जिले का नाम है फरीदपुर। इसी जिले में डिंगामानिक गांव में श्री राधा माधव चक्रवर्ती सपत्निक रहते थे। चक्रवर्ती महाशय अपने युग के श्रेष्ठ तांत्रिक थे। आपके गुरु थे तंत्राचार्य मृत्युंजय। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर चक्रवर्ती महाशय अपने नित्य के नियमानुसार साधना के लिए जब पंचवटी की ओर रवाना होने लगी, तब पत्नी कमला देवी ने कहा, आज अभी ना जाओ तो अच्छा होगा, लगता है कि कुछ देर बाद प्रसव होगा। चक्रवर्ती महाशय ने एक बार प्रसव पीड़ा से कातर पत्नी की ओर देखते हुए न जाने क्या सोचा और फिर कहा, चिंता की बात नहीं है, भगवान कृपा से मंगल ही होगा। मुझे रोको मत, मैं पोखर स्थित चमारिन को खबर कर देता हूं। इतना कहकर राधा माधव घर से बाहर निकल पड़े। गांव के तालाब के किनारे चमारों की बस्ती में आकर उन्होंने एक परिचित चमारिन से सारी बातें कहने के बाद कहा, तुम मेरे यहां जल्दी चली जाओ, जो उचित व्यवस्था हो करो, मैं पंचवटी पूजा करने जा रहा हूं। इसके बाद राधा माधव बिना एक क्षण देर की पंचवटी चले गए। समयानुसार कमला देवी को प्रसव हुआ। चमारिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संतान के स्थान पर जच्चा ने एक थैली को प्रसव किया। नाल काटने की जरूरत नहीं पड़ी। थैली को इधर उधर देखने के बाद उसने घर के पिछवाड़े बकुल वृक्ष के नीचे कूड़े में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कई श्रृंगाल आकर वहां शोर मचाने लगे। अचानक न जाने क्या हुआ कि एक श्रृंगाल उस थैली को मुंह में दबाकर तेजी से पंचवटी की ओर चल पड़ा। उसके सभी साथी भी साथ साथ दौड़ने लगे। वह श्रृंगाल उस स्थान पर आकर रुक गया जहां राधा माधव ध्यानस्थ थे। श्रृंगालों का कोलाहल सुनते ही उनका ध्यान भंग हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने उस थैली को स्पर्श किया। अचानक शिशु के रोदन स्वर को सुनकर वे चौंक उठे। राम ठाकुर ने अपने भक्तों से अपनी जन्म कहानी सुनाते हुए कहा था, मेरे जन्म के समय किसी पुरुष या नारी द्वारा नाल नहीं काटा गया था, मातृ रूपिणी शिवा द्वारा पंचवटी जैसे सिद्ध स्थान में मैं भूमिष्ठ हुआ था। संतान जब रोने लगती है तब वही लगन का समय माना जाता है। राम ठाकुर के कथानुसार उनका जन्म 1 फरवरी सन 1860 ईस्वी में हुआ था। उस थैली में जुड़वा बच्चे थे, एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण रखा गया। राम और लक्ष्मण अपनी मां की ममता और पिता की छत्र छाया में पलते रहे, लेकिन यह सौभाग्य अधिक दिनों तक उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। अभी जीवन के 8 वसंत वे देख पाए थे कि सहसा पिताजी का निधन हो गया। दोनों अनाथ बच्चों को लेकर मां किसी तरह 4 तक गृहस्थी की नौका खेती रही। ठीक इन्हीं दिनों 2 घटनाएं हुई। पति के निधन के बाद घर में अभाव बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी। मां ने सोचा, अगर अब ये कुछ नहीं करेंगी तो सभी को अनाहार रहना पड़ेगा। दूसरी ओर इन दुधमुहे बच्चे को नौकरी करने को कहने में कलेजा मुंह को आने लगा था। काफी उहापोह करने के बाद मां ने अपने बेटों से सारी समस्या कहने के बाद कहा, शीघ्र कोई प्रबंध करो। दोनों बच्चे अभी पाठशाला में अपनी पोथी समाप्त नहीं कर पाए थे कि उन्हें मां के आदेश पर जीविका की खोज में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आसपास काफी दौड़ धूप करने पर भी राम अपने लिए कोई नौकरी जुटा नहीं सका। एक दिन थका मांदा घर पर आकर सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि एक महात्मा उसके पास आए, उनके कानों में एक नाम बताते हुए कहा, इस नाम का जप करते रहो, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा, जीवन सुखी होगा, और भी न जाने क्या क्या कहते रहे। अपनी बातें कहने के पश्चात महात्मा जी जब वापस जाने लगे तब राम उनके पीछे पीछे दौड़ा और गिर पड़ा। तभी उसकी नींद उचट गई। राम ठाकुर ने उठकर देखा, कहीं कोई नहीं, पर मंत्र नाम याद है। पिता पंचवटी में पूजा और ध्यान किया करते थे।
इतना वह मां से जान सुन चुका था। न जाने क्यों उसे इस स्वप्न पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय किया कि आज से इस मंत्र का जप करूंगा, संभव है परिवार का संकट दूर हो जाए। अगर दूर नहीं होता तो अपना क्या जाता है, ब्राह्मण का पुत्र हूं, भगवान का नाम लेने से कल्याण ही होगा। बालक राम की इसी आस्था ने उसे बचपन में ऐसी शक्ति दी। चारों ओर से निराश होने के बाद एक दिन राम ठाकुर नौकरी की तलाश में भटकता हुआ नो आखली शहर आया। दो दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, शरीर लस्त हो गया था, अपरिचित स्थान होने के कारण और भी भयभीत सा था। ठीक इसी समय एक राह चलते भद्र पुरुष को देखकर उसने पूछा, क्या यहां कोई छोटा मोटा कार्य मिल सकता है जहां रहने और भोजन की सुविधा प्राप्त हो। उक्त सज्जन ने गौर से राम ठाकुर की ओर देखा और तब पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। मैं ब्राह्मण हूं, उक्त सज्जन ने कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी वगैरह नहीं दिला सकता, रहने और भोजन की सुविधा जरूर दे सकता हूं, इसके बदले तुम्हें मेरे यहां भोजन बनाना पड़ेगा। अगर यह शर्त मंजूर हो तो मेरे साथ चलो। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है, राम ठाकुर उस समय स्थान विशेष में पाचक ब्राह्मण का कार्य करते थे। बंगला में पाचक ब्राह्मण को ठाकुर कहा जाता है। यह पदवी इनके वास्तविक नाम रामचंद्र चक्रवर्ती के साथ जुड़ गई थी। मरता क्या नहीं करता, कहावत के अनुसार इस समय राम ठाकुर को आश्रय की आवश्यकता थी। यहां कार्य करते हुए वे शेष समय स्वप्न में प्राप्त मंत्र जप करते रहते। अचानक यहां एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके कारण ठाकुर को यहां से भी भागना पड़ा। एक प्रकार से उसके लिए यह अच्छा ही हुआ, उसके सौभाग्य का द्वार खुल गया। घूमते हुए वे कामाख्या मंदिर में आए। यहीं उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप में अपने गुरुदेव का दर्शन किया। कविराज जी ने लिखा है, ठाकुर महाशय को सिद्ध मंत्र का लाभ बाल्यावस्था में ही हो गया था। जब वे 12 वर्ष के थे तब कामाख्या में गुरु अनंगदेव से भेंट हुई। गुरुदेव विदेही थे, रक्त मांस का शरीर नहीं था, उनके साथ अंतर्धान हो गए। ठाकुर महाशय के गुरुदेव एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे। उनकी अवस्था के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता था। अंतरंग शिष्यों के अनुसार उनका नाम अनंगदेव था। अपनी भक्त मंडली के साथ वे आकाश मंडल में संचरण करते थे। यदा कदा वे इनके पास भी किसी विशेष प्रयोजनवश मंडली सहित आते थे। यह विशेष प्रयोजन जहां तक मैंने सुना है किसी साधक को दीक्षा देना होता था। इनकी गुरु परंपरा में दीक्षा शब्द का कुछ विलक्षण तात्पर्य था। सामान्यतया साधन मार्ग में चलने के लिए इनके यहां नाम का उपदेश होता है। दीक्षा बिरलों को मिलती थी, सहस्त्र सहस्त्र शिष्यों में से दो चार ही दीक्षा प्राप्त कर पाते थे। मैंने सुना था कि इनके यहां दीक्षा प्राप्ति के साथ ही देह का परिवर्तन हो जाता था। केवल इतना ही नहीं, शिष्य इस अभिनव देह को लेकर गुरु की मुक्त मंडली में सम्मिलित हो जाता था। अनंगदेव स्वयं दीक्षा नहीं देते थे, उनके आदेश से ठाकुर महाशय को अपने भक्त मंडल से तिरोहित होना पड़ता था। किंतु इनका जाना और लौट आना किसी के देखने में नहीं आता था। राम ठाकुर कामाख्या से अपने गुरु के साथ अज्ञात स्थान की रवाना हुए। यह सन 1872 ईस्वी की घटना है। हिमालय स्थित अनेक आश्रमों में उन्होंने संतों के दर्शन किए। कौशिक आश्रम में आने पर उन्होंने गुफा के भीतर अनेक संतों को देखा। उनके बारे में प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्टाचार्य ने लिखा है, इन संतों के हाथ पैर तथा शरीर के अन्य अंगों के मांस जगह जगह फट गए थे। कुछ लोगों की जटाएं सिर से खिसक कर नीचे गिर गई थी। वे लोग इतने लंबे थे कि सभी आसन पर बैठे थे और राम ठाकुर खड़े थे, पर वे उनकी लंबाई के बराबर नहीं थे। उन संतों का चेहरा काफी बड़ा था, आंखें मांस से ढकी हुई थी, पुतलियां शेर की आंखों की तरह चमक रही थी। ये लोग कितने युगों से यहां विराजमान है इसका अंदाजा लगाना कठिन है। राम ठाकुर के कथा अनुसार इन लोगों ने कायाकल्प नहीं कराया था। अगर वे लोग ऐसा करते तो उनके शरीर का रंग रूप
अन्य प्रकार का होता। वस्तुतः तपोबल से उनका शरीर चैतन्यमय हो गया था, उनका कभी देहपात नहीं होगा। इस संबंध में एक बार एक शिष्य ने अपनी शंका प्रकट करते हुए पूछा था, हिमालय के चप्पे चप्पे भूमि पर जब मानव के चरण पड़ चुके हैं तब ऐसा अद्भुत आश्रय और ऐसे लोग कहां छिपे बैठे हैं। राम ठाकुर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से ऐसे संतों को देखा है, ऐसी हालत में कैसे मैं अविश्वास करूं। संपूर्ण हिमालय रहस्यमय भूमि है, केवल उच्च साधक ही ऐसे स्थानों पर पहुंच सकते हैं और वे ही ऐसे महान संतों के दर्शन पा सकते हैं। हिमालय में मानसरोवर से काफी आगे उत्तर दिशा में योगाश्रम है, यहां कोई मंदिर नहीं है। पत्थर के चार खंभों से घिरे स्थान पर स्फटिक का एक शिवलिंग है जिसमें से अनवरत प्रकाश निकलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शिवलिंग की पूजा एक महिला करती है। इस स्थान के बारे में कविराज जी ने भी उल्लेख किया है, शिवलिंग के समीप थोड़ा ऊपर एक आसन था जिस पर ध्यानस्थ मुनि बैठे थे, उज्जवल शांत मूर्ति। उनकी ओर अनिमेष रूप में एक देवी मूर्ति दिख रही है। मुनि का मुखमंडल जटा से आच्छादित था, अपूर्व सौंदर्य था। कुमारी साक्षात गौरी थी। ठाकुर महाशय वहां 5 दिन थे। आश्रम से थोड़ी दूर नीचे एक पहाड़ी सोता था, वहीं से जल लाते थे। आश्रम में प्रतिदिन पुष्पाभूषण युक्त एक 12 वर्षीय बालिका आकर नृत्यगान करती हुई शिव गौरी को एक पुष्पमाला पहनाती थी। उस दिव्य कुमारी का ये नित्य दर्शन करते थे। शाम हो जाने के बाद वह गायन करती हुई लौट जाती थी। उसके गीत की भाषा पहाड़ी थी, इसलिए इनकी समझ में नहीं आती थी। ठाकुर महाशय का कहना था कि इस आश्रम जैसा रमणीय वातावरण इस संसार में कहीं देखने में नहीं आया। यहां से आगे बढ़ने पर 4 व्यक्तियों के साथ एक सुदीर्घ एवं अंधकारपूर्ण पहाड़ी सुरंग पार करके कई दिनों तक यात्रा करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां न दिन मालूम पड़ता था न रात। गोधली के समान एक मृदु आलोक निरंतर छाया रहता था। कुछ समय तक वहां ठहरने के पश्चात इन्हें अनुभव हुआ कि वह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। कुछ आगे बढ़ने पर इन्होंने एक घोर अंधकारपूर्ण स्थान में एक दीर्घकाय महापुरुष को बैठे देखा। वह मंद प्रकाश उन्हीं के शरीर से विकीर्ण हो रहा था। उक्त प्रकाश के अतिरिक्त वह स्थान पूर्णतया तिमिराच्छन्न था। उस खो से बाहर निकलने पर इन्हें सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। इनका अनुमान था कि उक्त सुरंग दक्षिण से पर्वत भेद कर उत्तर की ओर गई है। सुरंग पार करके इन्होंने एक ऊंचे श्रृंग पर आरोहण किया जिसके नीचे कौशकी पर्वतमाला थी। अंतर की आवाज से वे वहां से उतरकर कौशकी आश्रम आए। यह अत्यंत रमणीय स्थान था। कमल के आकार जैसा काफी विस्तृत था। इसके चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि आश्रम के भीतर बर्फ नहीं थी, वहां की भूमि शिलामय थी। उसके नीचे एक नदी बड़े वेग से बह रही थी जिसका नाम मंदाकिनी था। इसे पार करना कठिन था, शिलाखंडों पर संभल कर पैर रखते हुए पार होना पड़ता था। आश्रम में नाना प्रकार के फूलों और फलों के वृक्ष थे। उस प्रकार के फल भारत में कहीं नहीं मिलते। इस आश्रम में 13 आसन लगे हुए थे। इस 13 आसनों में से 10 आसन इस प्रकार विन्यस्त थे कि व्यवधान के कारण उन पर बैठे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। शेष 3 आसन उनके सम्मुख थे और ऐसे लगे थे कि 10 आसनों पर बैठे व्यक्तियों को देख सकते थे। ठाकुर महाशय ने पहले 10 आसनों पर बैठे व्यक्तियों को देखा। वे सभी निस्पंदन पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चेष्ट एवं प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके दोनों हाथ नीचे थे। उनकी त्वचा पत्थर की भांति कर्कश और कहीं कहीं फटी थी। किसी किसी के जटा खुलकर कंधे पर लटक रही थी। वे लोग इतने दीर्घकाय थे कि उनके बैठे होने की स्थिति में भी ठाकुर महाशय को माला पहनाने के लिए पत्थर रखकर खड़ा होना पड़ा था। उनकी आंखें पलकों के लटकते हुए चमड़े से ढकी थी। नेत्र गोलक के भीतर 6 इंच से अधिक की गहराई में पुतलियां चमकती हुई दिखाई देती थी। उनके मुखमंडल पर लाली थी।
वे कितने युगों से यहां बैठे थे इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। मैंने ठाकुर महाशय से पूछा, क्या इन्होंने अपना कायाकल्प कराया था? उन्होंने कहा, नहीं, कायाकल्प करने से शरीर नवीन हो सकता है, स्थायी नहीं। तपस्या के प्रभाव से इनका शरीर चिन्मय हो गया था। शेष तीन आसन खाली थे। वे महापुरुष प्रयोजन के अनुरोध से जगत कल्याण के लिए निम्न भूमि में चले गए थे। इस आश्रम में राम ठाकुर 15 दिन रहे। नियमित रूप से उन महात्माओं की सेवा फलमूल नवेद से करते थे। संध्या को फलाहार रख जाते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल सेवा में उपस्थित होने पर इन्हें छिलके पड़े मिलते थे। 16वें दिन प्रत्येक महापुरुष को साष्टांग दंडवत करते हुए इन्होंने विदा ली। प्रणाम करने पर उन प्रस्थवरत तपस्वियों ने हाथ उठाकर अभय मुद्रा प्रदर्शित कर आशीर्वाद दिया। ठाकुर महाशय को अपने इस 15 दिवस के संपर्क काल में इन महापुरुषों के शरीर में यही एकमात्र स्पंदन दिखाई दिया। इस आश्रम की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा था कि यहां से मानसरोवर बहुत दूर है। मैंने जिज्ञासा की, संसार के अनेक प्रसिद्ध यात्रियों ने मानसरोवर के आसपास का सारा प्रदेश छान डाला, किंतु उनमें से किसी ने भी अपने यात्रा विवरण में आपके द्वारा निर्दिष्ट इन दोनों आश्रमों तथा उनमें रहने वाले तपस्वियों का उल्लेख नहीं किया। इसका कारण क्या हो सकता है? ठाकुर महाशय ने कहा, यह दिव्य आश्रम सहज ही गोचर नहीं है। योग सिद्ध देवधारी ही इनका संधान पा सकते हैं।